आज हम खड़े हैं दुनागिरी में, उत्तराखंड के अल्मोड़े जिले में। द्वाराहाट से 14.5 किलोमीटर दूर स्थित ये ऐतिहासिक धरोहर दुनागिरी। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुगीत एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आशुगीत ट्रेडमार्क एम्पायर में। और ऑन द टूर सीरीज की इस पहली वीडियो में हम आपको ले जाने वाले हैं ऐतिहासिक मंदिर दुनागिरी में। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। तो अभी हम खड़े हैं दुनागिरी बस स्टैंड पे। क्षेत्रीय भाषा में इस जगह को मंगली खान के नाम से जाना जाता है। तो हम इस जगह से शुरू करेंगे चलना और हम जाएंगे इस पर्वत की चोटी पर जहां पर दुनागिरी मंदिर स्थित है। तो सबसे पहले हमें यहां पर हनुमान जी का एक मंदिर मिलेगा और इस मंदिर के ठीक सामने से हम अपना सफर शुरू करेंगे। इन सीढ़ियों की मदद से हम जाएंगे इस पर्वत की चोटी पर। तो इस तरह हमारा सफ़र शुरू होता है और इस सफ़र में आगे को बढ़ते हुए मैं आपको दुनागिरी का इतिहास भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले इस सफ़र की शुरुआत होती है गणेश जी के इस मंदिर से। और आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मंदिर परिसर का गेट दिखाई देता है। इस मंदिर की स्थापना संबंधी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। जैसे एक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब लंका में लक्ष्मण जी युद्ध के दौरान घायल हो गए थे तो सुषैण नामक एक वैद्य ने हनुमान जी से द्रोणांचल पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी लाने को कहा। ये देखिए, यहाँ पर हमें कुछ दुकानें भी दिखाई पड़ रही हैं। ये शायद हमारे भक्ति भाव को तदारूप बनाए रखने में सहायक हों। और बच्चे कहीं इस पैदल मार्ग में बोर ना हो जाएं, इसका तो उन्होंने बखूबी ख्याल रखा है। ये देखिए, और इस तरफ हमें दिखाई दे रहा है गेट खुलने का समय, शीतकाल और ग्रीष्मकाल का। चलिए हम अपनी कहानी दोबारा से शुरू करते हैं। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणांचल पर्वत पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां पर समझ नहीं आया कि इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो पूरा पर्वत उठा के ले आएंगे। तो जब वो पर्वत उठा के ले जा रहे थे तो उस पर्वत से, यानी कि द्रोणांचल पर्वत से, कुछ हिस्सा या फिर आप कहें कुछ शिलाएं इस स्थान पर आके गिरी और इसीलिए इस स्थान का नाम द्रोणागिरी पड़ गया, जो कि बाद में दुनागिरी हो गया। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडवों के गुरु गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पर इस पर्वत पर आकर तपस्या की थी, इसी कारण इस पर्वत का नाम द्रोणागिरी पड़ गया। और कहा जाता है कि यहाँ से चंद किलोमीटर दूरी पर स्थित पांडव खोली नामक जगह पर पांडवों ने अपने प्रवास काल के दौरान शरण ली थी। वो काफ़ी समय तक इस स्थान पर रहे और उस जगह पर उनका मंदिर भी है। अगर आप भी कभी दुनागिरी मंदिर जाते हैं तो समय निकालकर पांडव होली घूमने जरूर जाएं। वहाँ पर भीम की रजाई, भीम का गदा और भी कई अन्य प्राकृतिक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। चलिए वापस दुनागिरी पर ही आ जाते हैं। जैसे जैसे हम इन सीढ़ियों में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें जगह जगह पर इस तरह के नाम दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने इस मार्ग को बनाते समय मंदिर ट्रस्ट को दान दिया था इस मार्ग के लिए। और अब ये देखिए, हम आ पहुंचे हैं इस जगह पे। यहाँ पे सीधी खड़ी चढ़ाई है ऊपर को, जो कि पर्वत की चोटी तक जाती है। और इस सीधी खड़ी चढ़ाई की चुनौती को पार करके हमें दुनागिरी माता तक पहुँचना होगा। तो जब तक मैं इस चढ़ाई को पार करता हूँ, आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं दुनागिरी के इतिहास में और बात करते हैं स्कंद पुराण की।
तो स्कंद पुराण के मानस खंड में इस जगह का उल्लेख है। इस पर्वत को उसमें ब्रह्म पर्वत कहा गया है, यानी कि डिवाइन माउंटेन। और दुनागरी माता को या फिर दुनागरी देवी को स्कंद पुराण में महामाया हरप्रिया के नाम से उल्लेखित किया गया है। और ये देखिए, फाइनली हम आ पहुंचे हैं अपनी इस यात्रा के पहले पड़ाव पे। जय माता दी लिखा है और ये है एक विश्राम स्थल। हमें यहाँ पे रुककर अपनी थकान मिटाने का पूरा मौका मिलेगा। खैर, मैं तो अभी थका नहीं हूँ, तो मैं अपना काम जारी रखूँगा और हम विश्राम स्थल का पूरा मुआयना करेंगे, क्योंकि कई लोगों के लिए पैदल मार्ग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ विश्राम स्थल ही होते हैं। तो चलिए दोबारा से यात्रा शुरू करें। और यहाँ पे मुझे दिख रही है एक और दुकान। लगता है इनके पास सभी सामानों की काफ़ी वैरायटीज़ हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और मैं आपको एक बार फिर से लिए चलता हूँ इतिहास की ओर। तो अब तक हमने ये जाना कि कैसे इस जगह का नाम पहले द्रोणागिरी पड़ा और आगे चलकर वो दुनागिरी के नाम से जाना जाने लगा। और अब ये सवाल उठता है कि ये मंदिर कैसे बना, कब बना और किसने बनाया। तो इन सवालों का जवाब हमें मिलता है कत्यूरी वंश के इतिहास में। कत्यूरी शासक सुधारदेव ने लगभग 13वीं शताब्दी में इस स्थान पर दुर्गा शक्तिपीठ या फिर कहें वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना करवाई थी। तो ये था दुनागिरी का इतिहास। और चलते 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 अब हम आ पहुँचे हैं अपने यात्रा की दूसरे पड़ाव पे। और यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रही हैं कुछ और दुकानें। ये देखिए, यहाँ पे कई तरह की किताबें रखी हुई हैं और भी कई सारे सामान यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इधर भी आगे को कई सारी दुकानें हैं और इस तरफ है प्रसाद भंडार गृह। इस जगह पे रोज श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए रुपयों से भंडारा लगता है। और दूसरी तरफ की ये दुकानें भरी पड़ी है तरह तरह के सामानों से, जो कि आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखिए, ये है वो रास्ता जो हमें ले जाएगा दुनागिरी मंदिर तक। लेकिन इस पार्ट में हमारा सफर खत्म होता है यहीं पर। यहां से आगे हम बढ़ेंगे इस सीरीज के अगले पार्ट में। तो अगर आपको ये दुनागिरी की यात्रा पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखना मत भूलिएगा इस वीडियो का अगला पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।